नमस्कार किसान भाई, आप सभी का स्वागत है। बात करने वाले मौसम के बारे में जानेंगे। आज 21 नवंबर सुबह से लेकर शाम के बीच संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा बना रहेगा, किन किन जगहों के लिए मौसम में बदलाव होगा, कुछ कुछ जगहों के लिए बारिश वाली संभावना रहेगी, आने वाले दिनों के दौरान मौसम में जबरदस्त परिवर्तन होने की संभावना है। शुरुआत करेंगे सर्वप्रथम बीकानेर से लेकर खाजूवाला, फरोदी, जैसलमेर, रामगढ़, तनोद मटा, वही बाड़मेर, भीनमाल, जालोर से लेकर सीव, उंडू, शेरगढ़ से लेकर बालोतरा, सराना, जालोर, पाली से लेकर सांचौर, इन तमाम क्षेत्रों के लिए मुख्यतः आज मौसम 21 नवंबर के दौरान साफ और शुष्क बने रहने की संभावना है। यहाँ पर कोई ज़्यादा विशेष बदलाव देखने की संभावना नहीं है। यानी जैसलमेर, रामगढ़, श्रीमोहनगढ़ से लेकर मिजलाधर, गढ़ा रोड, सिंह उंडू से लेकर बाड़मेर, साथ ही भल्ला, रणजीतपुरा, नोक से लेकर फलोदी, खिंदासर, चाडी, ओसिया से लेकर पोखरण, वही शेरगढ़, उंडू, बालोतरा से लेकर वाइद, पाली, जोधपुर से लेकर ये तमाम क्षेत्र है, लगातार इन इलाकों के लिए मौसम इसी तरह बने रहने की संभावना रहेगी। साथ ही आपको बता दे चले, ओसिया, चाडी से लेकर भोपालगढ़, मेड़ता, कुचेरा, जेतारण, सोजस से लेकर पाली, वाइद, रानी से लेकर देवगढ़, राजसमंद, इसी के अलावा सिरोही, आबू रोड के इलाके, उदयपुर, राजसमंद से लेकर भिंडर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेकर ये जो क्षेत्र है, लगातार इन्हीं जगहों के लिए मौसम मुख्यतः शुष्क बने रहने की संभावना रहेगी। साथ ही ब्यावर, अजमेर, रांची से लेकर भीलवाड़ा, जाजपुरा, केकड़ी से लेकर मालपुरा, अजमेर, टोंक से लेकर सवाई माधोपुर, लखारी, इन तमाम जगहों के लिए आने वाले दिनों के दौरान मौसम लगभग शुष्क और साफ बने रहने की संभावना रहेगी। विशेष ज़्यादा कहीं पर भी बदलाव होने की आशंका नहीं रहेगी। साथ ही आपको बता दें, बेरोड, कठपुतली, विराटनगर, अलवर से लेकर कामा, डिंग, भरतपुर, मावा, गंगापुर सिटी से लेकर, साथ ही बात कर लेते हैं जो सीकर और श्री माधोपुर से लेकर रेनवाल, फुलेरा, मकराना, डीडवाना, कुचामन से लेकर मेड़ता, कुचेरा, नागौर, जैल से लेकर नौका, बीकानेर, लोनकरण सर, श्री डूंगरगढ़, सरदारशेर, चूरू, यहाँ तक मौसम सामान्य बना रहेगा। हालांकि कल के मुकाबले आज और अधिक परिवर्तन सर्दी की गतिविधियां रहेगी, कई जगहों के लिए ठंड की एहसास होगी और सर्दी का सितम बढ़ने की संभावना है। बात कर लेते हैं हम उत्तरी राजस्थान की जिलों की, तो गंगानगर से लेकर सूरतगढ़, पल्लू और नोहर भादरा, अनूपगढ़, रावला, गरसाना, गसियापुर, श्री गंगानगर, ये जो तमाम क्षेत्र है, लगातार इन्हीं जगहों के लिए कहीं ना कहीं मौसम में विशेष ज़्यादा बदलाव होने की, आज नहे के बराबर होने की संभावना है। हालांकि एक जल्द पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की संभावना है। 23 नवंबर के आसपास राजस्थान के उत्तरी इलाके, बीकानेर से लेकर चूरू, नागौर से लेकर जो इलाके हैं, लगातार इन इलाकों के लिए बादल छाने की संभावना रहेगी। साथ ही आपको बता दे चले, यहाँ लगातार कई जगहों के लिए बादलों की आवाजाही और बादलों की आवाजाही के साथ मौसम में परिवर्तन होगा। लगातार 23 से लेकर 24 नवंबर के बीच बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा से लेकर जयपुर, बीकानेर, नागौर, सीकर से लेकर जो तमाम क्षेत्र है, लगभग 23, 24 में 25 नवंबर तक आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। आगे की बात करें तो आगे कोई ज़्यादा विशेष बदलाव है जो कहीं ना कहीं लगभग 28 से 29 नवंबर के आसपास से राजस्थान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, और दिसंबर में अगर कोई नया सक्रिय सिस्टम WD एक्टिव होता है तो मैं इसके बारे में आपको आगे अपडेट करता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रेगुलर आपके साथ बिल्कुल सही और सटीक मौसम संबंधी जानकारी टाइम टू टाइम हमेशा आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।